पिछला 10 साल में वीरेंद्र बाबू कुछ भी नहीं किए। अगर आदमी जाता भी है उनको पास तो वो बोलते हैं कि आप तो गठबंधन के वोट दिए थे, मेरा वोट थोड़ी देते हैं, कास्ट समझ करके भगा देते हैं वहाँ से। वीरेंद्र सिंह 10 साल में क्या करवाए काम? कुछ ना करवाए, कुछ नहीं करवाए, कुछ ना करवाए, ना ही बने से फिर राव दिए थे ना ना ना। तो नीतीश कुमार तो हम लोग के ठग मतलब ठग लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होने वाली है और इसके साथ ही 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 28 अक्टूबर को पहले फेज में 71 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से एक सीट है नवीनगर विधानसभा सीट, जो कि औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत भी आता है। इस सीट पर हम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि यह सीट काफ़ी ज़रूरी है बातचीत के लिए, क्योंकि अगर कोई विधायक 10 साल से किसी एक सीट पर विधायक रहता है, इसके बावजूद भी वहाँ पर उस क्षेत्र में बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो यह जरूरी है कि उस सीट की चर्चा की जाए। अब हम बात करेंगे नवीनगर विधानसभा सीट के बुनियादी जो समस्याएं हैं, वो पिछले भी कई वीडियो में हमने आपसे बात की है कि सिंचाई, सड़क, बेरोजगारी, नाली, पानी, ये वहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। बेरोजगारी पूरे प्रदेश की समस्या है, इस पर भी हमने बात की है। अब विजुअल में देखिए वहाँ के समस्याओं को, सड़क का हाल देखिए कि कैसा है वहाँ का सड़क का हाल, आपको केवल कीचड़ नजर आएगा। बेरोजगारी पर वहाँ के युवा सीधे सीधे नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि पिछले 10 सालों से क्या किया विधायक जी ने और पिछले 15 सालों से क्या किया मुख्यमंत्री जी ने, यह उन्हें समझ में नहीं आता है। डब्लू सिंह, जो कि वहाँ के राजद से भावी प्रत्याशी अभी दावेदार दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार वहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं और उन मुद्दों को अपने चुनावी प्रचार में भुनाने के प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, नाली के मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे वहाँ की जनता का लगाव उनके प्रति बढ़ते जा रहा है। जनता अब उन्हें अपना भरपूर समर्थन देते नज़र आ रही है। जनता का सीधा सीधा कहना है कि पिछले 10 सालों से उनके यहाँ कोई काम नहीं हुआ, नीतीश जी ने तो केवल उन्हें ठगा है। और जैसे कि कुछ ना है, ना वृद्धा पेंशन हुआ और ना जैसे आज तक कोई नहीं हुआ, बुझा के वोट दे गई, चाहे कोई बाबू आज वोट दे देना जरूरी, हम दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह 10 साल में क्या करवाए काम? पूछो ना करवाए, कुछ नहीं करवाए, कुछ ना करवाए। क्या चाहिए था उनसे आपको? रोड गली और ये गरीब के ध्यान और क्या, रोड नहीं बनाई, रोड आप ही लोग का है ना। हाँ, तो पिछले 10 साल में वीरेंद्र बाबू से आप लोग कभी बोले कि हाँ रोड बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो नहीं, रोड नहीं बनवाया मैंने आज तक 10 साल में। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, इस बार वीरेंद्र सिंह को वोट दीजिएगा? वीरेंद्र सिंह को दीजिएगा फिर से? जब ना है बने से फिर राव दिए थे ना ना ना, तो अबरी बदल देवे ला नहीं उधर। हाँ, तो बदलिए तो अबरी केकरा माने लालटेन पर दबाबाई, लालटेन पर। हाँ, तो लालटेन पर दबाबाई हमने, और डब्लू भैया के जीता भाई। हाँ, जीता भाई। अच्छा, तो माने ई बार डब्लू भैया अपने एकदम समथिर रहो के काम हो जात अपने के। ई चीज जे कहली से जानी ध्यान दो आदमी मान लेते कि हम मंजूरी आही और ओरा ही काम करे ला ना गेली तो हमरा रह के का हो मिलेगा, तो रोड गली नली कहां रहे, रोड गली सब ऐसी रहेगा। मतलब पिछला 10 साल में वीरेंद्र बाबू कुछ भी नहीं किए। अगर आदमी जाता भी है उनको पास तो वो बोलते हैं कि आप तो गठबंधन के वोट दिए थे, मेरा वोट थोड़ी देते हैं, कास्ट समझ करके भगा देते हैं वहाँ से। और बात रह गया नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार तो हम लोग के ठग मतलब ठग लिए हैं। बेरोजगारी के नाम पर तो इतना आदमी भड़के चल रहा है, अगर रोजगार मिल जाएगा तो नली गली कुछ नहीं है। नली गली क्या है, रोजगार आदमी का मिलेगा, यहाँ पे बहाली निकले। मोदी सरकार भी, केंद्र सरकार का भी यही देन है, हम लोग का शरीर ले ले करके पाल पाल करके घूम रहे हैं, केवल बहाली निकल ही नहीं रहा है। तो अभी आपने सुना विधानसभा क्षेत्र के एक यह बुजुर्ग थे जिन्होंने सीधे सीधे अपने विधायक जी पर हमला तो किया ही, नीतीश जी के कारनामे की भी पोल खोलकर रख दिए कि उनके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, वहाँ के विधायक जी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अगर सीधे सीधे जब वहाँ का विधायक ये कहे कि आपने हमें वोट नहीं दिया है, महागठबंधन को दिया और उनसे जाकर काम कराइए, उनसे जाकर विकास का हिसाब मांगिए, तो समझिए कि वह जनप्रतिनिधि किस प्रकार का है, उसका विकास करने की जो उसकी मानसिकता है कितनी बेहतर है। इसके पहले भी वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा क्षुब्ध नजर आ रही थी, इसके पहले भी हमने वहाँ से बात की वहाँ की जनता से, उन्होंने भी कहा कि विधायक जी का कोई जनसंपर्क नहीं है, जनता से कोई बात नहीं है। अब जनसंपर्क वही नेता नहीं बनाता है जो जनता के आक्रोश से बचना चाहता है। कहा भी जाता है कि जितना आक्रोश से बचना है, सबसे बड़ा उपाय है उसका
कि आप जनता के बीच में ही ना जाए, ज्यादा क्षेत्रों का भ्रमण ही ना करें, और यही दिखता नवीन नगर में आ रहा है। डब्लू सिंह पूरी तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं और साथ ही राजद के जो योजना है उसे भी अपने क्षेत्रों में बता रहे हैं कि राजद अगर सरकार में आएगी तो क्या करेगी। राजद ने एक जो बेरोजगारी पोर्टल खोला था रोजगार देने के लिए, उसके बारे में भी वो अपने यहाँ के क्षेत्र की जो जनता है उसे पूरी जानकारी दे रहे हैं। विजय कुमार सिंह का यह फेसबुक पेज है जिस पर आप देख सकते हैं कि वो डेली प्रतिदिन जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के बारे में अपडेट करते रहते हैं, और कल कहाँ जाना है उसकी जानकारी वो आज ही अपने फेसबुक पेज पर देते हैं कि कब किस जगह कहाँ पर वो कितने बजे रहेंगे। आप देख सकते हैं उनके पेज पर, और उनके पेज पर ही एक पोस्ट दिखाई देगा आपको जिसमें लिखा हुआ है कि राजद की सरकार बनने के बाद 2 महीने के अंदर 10 लाख सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुल 22 लाख युवाओं ने राजद द्वारा बेरोजगारी के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान का हिस्सा बनते हुए अपना बायोडेटा अपलोड करके रजिस्टर किया है। डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान की जाएगी, असंगठित क्षेत्र को मजबूत बनाकर वहां लाखों रोजगार का सृजन होगा, कृषि पर्यटन व्यापार आधारभूत संरचना के विकास, मानव संसाधन विकास तथा आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली पानी इत्यादि और कानून व्यवस्था जैसे पुलिस इत्यादि क्षेत्रों से भी नौकरियों व रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व आशा कर्मियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। ग्रामीण चिकित्सकों के चिर प्रतीक्षित नियोजन को पूरा करने की और पहल की जाएगी। यानी कि राजद का जो घोषणा है, राजद की जो वादे हैं, राजद के जो योजना है उसकी पूरी जानकारी राजद के भावी उम्मीदवार डब्लू सिंह यानी कि विजय कुमार सिंह अपने क्षेत्र में जनता को बता रहे हैं, जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है, राजद की सरकार आती है तो उनका विकास कैसे होगा। और इसमें उनका भरपूर साथ दे रही हैं उनकी पत्नी दिव्या सिंह, जो लगातार जनता से जनसंपर्क बना रही हैं, जनता के समस्याओं को सुन रही हैं और समाधान की प्रक्रिया का निवारण भी करने की कोशिश कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे समस्याओं का समाधान होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण जो है नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में कैसे होगा, लगातार महिलाओं के साथ मिल रही हैं, युवाओं से मिल रही हैं, बच्चों के साथ उनका लगाव हम प्रतिदिन देखते आ रहे हैं, और जिस तरह से अभी का माहौल नवीनगर में दिखाई दे रहा है यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नवीनगर विधानसभा सीट में इस बार कब्जा बदल सकता है। यानी जेडीयू से इस बार हो सकता है कि जनता का मूड आरजेडी की तरफ बहक जाए, जनता इस बार आरजेडी के समर्थन में आए, ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जनसंपर्क डब्लू सिंह का रहा है और जिस तरह से वहाँ की जनता का मूड देखने को मिल रहा है, यह कहना कतई गलत नहीं है कि इस बार जेडीयू को नवीनगर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि क्या होगा यह तो हमें 10 नवंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव का परिणाम आएगा और उस परिणामों में हमें पता चलेगा कि नवीनगर में इस बार जेडीयू अपना कब्जा बनाए रखती है या फिर जनता डब्लू सिंह पर भरोसा करती है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अब देख रहे हैं लाइव बिहार, खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।